जब तक खुद पे काम नहीं करते आपको पैसे नहीं आते। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक्स अ लकी जंप। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। मेरी बात को बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। आपको जितने पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए उसको। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की अगर दौलत आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोगों में बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने सुना होगा अपने अड़ोस पड़ोस दोस्ती रिश्तेदारी में कि किसी दिन इस व्यक्ति की जिंदगी शानदार थी, कभी इनके ठाट थे और आज देखो गरीब हो गए। सुना है आपने ये शब्द? ये लाइन आपने सुनी होंगी, रिश्तेदारी में सुनी होंगी, अड़ोस पड़ोस में सुनी होंगी, किताबों में सुनी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी कि हमारे एरिया में सबसे पहले कलर टीवी इनके घर था। सुना है आपने? माँ बाप बुजुर्ग सुनाते हैं ना, सबसे पहले इन्होंने 4-व्हीलर खरीदा था, मोहल्ले में कुछ नहीं था और आज देखो इनकी कितनी। ऐसा क्या होता है कि किसी जमाने में शानदार रहने के बावजूद किसी जमाने में फक्कड़ हालात हो जाते हैं? मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो करोड़पति अरबपति थे, लेकिन अस्पताल में से जब उनकी मौत हुई तो बॉडी डिस्चार्ज कराने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया, फर्स्ट यू हैव टू पे द बिल्स, और किसी जमाने में वो। तो ये जानना जरूरी है कि इससे यहां तक पहुंचने में क्या नाटक हुआ। तो मैं उसको बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट, कि उसने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करते आपको पैसे नहीं आते। और मैं उसको बोलता हूं लर्निंग, रीडिंग, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं यू हैव टू लर्न, पैसे कमाना चाहते हैं यू हैव टू लर्न, पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे, अगर आपको आज 50,000 रुपये महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपये महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीना आए, तो दोस्त 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो, 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। बैंकॉक का कॉन्टेस्ट चल रहा था, मुझे आज भी याद है, मेरा 11,46,000 का पे आउट आया एक हफ्ते का, 11,46,000 वन वीक पे आउट। तो